तो दोस्तों केपीआई ग्रीन का स्टॉक आज अराउंड 4 से 5% ऊपर था, तो उसके पीछे का एक रीजन था, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि उस रीजन की वजह से क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट ये है कि कंपनी ने आज यहाँ पे एक्सचेंजेस यानी कि BSE और NSE पे यहाँ पे एक लेटर लिखा है कि यहाँ पे 30 नवंबर यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे है उस दिन यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग बोनस इश्यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो जब भी ये मीटिंग वगैरह होती है तो मार्केट को पता लग जाता है कि यहाँ पे अगर मीटिंग हो रही है तो 99% वहाँ पे बोनस इश्यू कंपनी इश्यू करने वाली है। तो डेफिनेटली देखिए जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो मार्केट उसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेता है क्योंकि तो उसका जो शेयर प्राइस होता है वो उसके बाद में कम हो जाता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आप देखोगे अगर हम BSE की अगर हम बात करेंगे IEX की अगर हम बात करेंगे तो बोनस इश्यू की अपडेट के बाद में स्टॉक में काफ़ी अच्छी हमें रैली देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम दोनों ही स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई से भी हमें 50% नीचे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उन दोनों के फंडामेंटल्स भी काफ़ी चेंज हुए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे 20-30% क्वार्टरली बेसिस पे उनके नंबर्स हमें गिरते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं तो ग्रोथ के नंबर्स भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हमें करेक्शन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी काफी ज्यादा हो रही थी तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें नॉर्मल से आती हुई नजर आई है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे ख्याल से बोनस यहाँ पे कंपनी बोनस इश्यू करने वाली है तो उसके लिए अगर आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मेरा आंसर ना रहेगा। लेकिन अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकती है, आपको कंपनी के प्रमोटर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छी लगती है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी हमारा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑल दो अगर हम देखेंगे तो अराउंड अगर मैं एज ए डिस्क्लोजर में ये बता देता हूँ कि लगभग 450 के लगभग हमने यहाँ पे ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसी वक्त हमने हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स है तो हमारी अगर आप वीडियो की अगर आप बात करोगे जो फर्स्ट वीडियो हमने इस कंपनी की बनाई थी तो उसके प्राइस के लगभग ही हमने इसका वीडियो बनाया था तो तब से हम यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। और उसके अलावा जो भी अपडेट ये कंपनी का आता रहता है तो हम हमारे सब्सक्राइबर्स को पूरी वो जो अपडेट है उसको अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं और आने वाले टाइम पर भी मेरी पूरी कोशिश कि यहाँ पे जो भी अपडेट हम देंगे तो वो अपडेट हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अभी भी लगता है कि अराउंड 25-30% CAGR से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पे हमें ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं और एक अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट हमें यहाँ पे ये कंपनी बनती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे लगातार फोकस इनका एक मेन चीज में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, चाहे IPP सेगमेंट हो या फिर CPP सेगमेंट हो, दोनों ही बिजनेस के अंदर यहाँ पे कंपनी काफी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एसेट को यहाँ पे देखा जाए तो मैनेज किया जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली अगर हम प्रमोटर्स के एग्रेसिवनेस की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा एग्रेसिव प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए कभी अगर कुछ चीजें सही से नहीं जाती है तो वहां पे आप अपना सारा पैसा लूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी चीजें सही जाने लग जाती है तो वहां पे अराउंड 40-50% CAGR के नंबर्स भी हमें यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।